तो फाइनली एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती ने अपना कबूलनामा कर लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि शोभित चक्रवर्ती जब से गिरफ्तार हुआ है, उसके बाद सैमुअल बरांडा, उसके बाद दीपेश सावंत, ये तीनों ही इस ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में, ड्रग्स के केस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और खुद एक भाई ने, एक शोभित चक्रवर्ती ने अपनी ही बहन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था एनसीबी के सामने, और ये बोल दिया था कि हाँ, उसकी बहन रिया चक्रवर्ती ही उससे ये काम करवाती थी, उससे ड्रग्स मंगाती थी। और जो सैमुअल मिरांडा है वो कहता है कि ये दोनों भाई बहन, मतलब शोभित चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती, ये दोनों ही उससे ये काम कराते थे और उससे ड्रग्स मंगवाते थे। जी हाँ, इसी के साथ दीपेश सावंत का भी नाम लिया गया था बीच में। जिस दिन इनको गिरफ्तार किया गया, उसी दिन ही दीपेश सावंत से भी एनसीबी ने रात को पूछताछ करी। उसके बाद ये खबर सामने आ चुकी थी कि दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार कर लिया है इस ड्रग्स केस में। और अब आपको बता दें कि आज जब एनसीबी ने सम्मन भेजा था रिया चक्रवर्ती को, एनसीबी के ऑफिस बुलाया था, पूछताछ करी थी, और पूछताछ में क्या पता चला, ये पता चला कि जब तीनों ने बैठ के दीपेश सावंत ने और सैमुअल मिरांडा ने और शोभित चक्रवर्ती ने, इन तीनों ने जब बातें खोली रिया चक्रवर्ती के सामने, तो रिया चक्रवर्ती अपना झूठ नहीं छुपा पाई और एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती ने अपने पत्ते खोल दिए और बोल दिया कि हाँ, मैं ही मंगाती थी ये ड्रग्स। और अब आपको बता दें कि सब ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कब होगी। दरअसल आपको बता दें कि एनसीबी की अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है और कल फिर से एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया है ड्रग्स के केस में, जिसमें और बातें खुल के सामने आएगी। और जैसे कि सबको पता है कि एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा और जो शोभित चक्रवर्ती है, इन दोनों को ही रिमांड पर रखा हुआ है। 9 तारीख तक ये दोनों रिमांड पर हैं, जहां पर पहले 14 बंदों के नाम आ चुके थे इस लिस्ट में, जिसमें ड्रग्स केस में जो कि इन्वॉल्व हैं, जिसमें ड्रग पैडलर्स हैं बहुत सारे। अब 28 बंदों के नाम आ चुके हैं, आज की डेट में 28 बंदों के नाम हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती का भी नाम शामिल है, सैमुअल मिरांडा का भी नाम शामिल है, ड्रग पैडलर्स का भी नाम शामिल है, शोभित चक्रवर्ती का भी नाम शामिल है। जी हाँ, और आपको बता दें कि अभी और बहुत बड़े खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि अभी बॉलीवुड के कई ऐसे बड़े जो सुपरस्टार हैं, जिनके नाम ड्रग्स केस में आ चुके हैं और जिनके नाम बस रिवील होने ही बाकी हैं। सो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में, हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए।